आजकल की सबसे वैश्विक समस्या है कि घर के बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, घर के कामों में, पढ़ाई में, या बातें नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं, या पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनका ध्यान है पढ़ाई की तरफ तो वह एकाग्र नहीं हो पाते हैं। और ख़ास तौर पर चीज़ें तब जाके उलझ जाती हैं जब बच्चे 12th पास करते हैं और वे अनभिज्ञ रहते हैं कि अब उन्हें कैरियर में आगे करना क्या है, या वे बच्चे जिन्हें मालूम है कि हम इस तरह अग्रसर होंगे, इस तरफ अग्रसर होंगे, हमारा लक्ष्य ये है, मगर वह सही दिशा नहीं पकड़ पाते। तो ऐसे ही कुछ समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आपके पास कुछ खास उपाय लेकर आया हूँ। देखिए, या तो ये उपाय वे बच्चे स्वयं कर लें, या उनके परिजन कर लें, या माँ बाप कर लें, या जो उन्हें पाल पोस रहे हैं वे कर लें। उपाय बहुत ही सरल है और बच्चे भी कर सकते हैं जिनका ध्यान अक्सर इधर उधर बट जाता है, या वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन बहुत बेचैन है, या उनके मन में यही चल रहा है कि हमें आगे करना क्या है, हम आगे क्या कर पाएंगे, आगे हमारे साथ क्या होगा, भविष्य क्या है हमारा, तो ये उपाय वह कर सकते हैं स्वयं ही। उपाय क्या है उनके लिए ख़ास तौर पर? उन्हें करना है कि माचिस के पुड़े लेना है, लगभग 7 माचिस की डिब्बियाँ लेना है, मतलब एक पुड़े में 7 माचिस की डिब्बियाँ आती हैं, तो एक पुड़ा ले लेना है आपको। वह पुड़ा आपको अपने बॉडी से, अपने सिर पे से, या बॉडी से, हम सिर से पैर तक भी करते हैं, घर वाले करते हैं, जैसे नज़र उतारने के लिए करते हैं, तो ऐसे आपको 21 टाइम आपको उतार लेना है वो पूरा पुड़ा। अब ये 7 माचिस की डिब्बी हैं, आपको यदि स्वयं करेंगे तो बेहतर है, यदि परिजन करते हैं तो भी उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको अपने आसपास के मंदिर में जाके, जो कोई ना देखे, ऐसे कोई ना देखे मंदिर में जाके, एक ऐसे स्थान पर जाके ये 7 माचिस रख देना है जहाँ पर दीपक जलते हों, दीप प्रज्वलित होते हों, या अगरबत्ती जलाई जाती हों, या नारियल फूटते हों, उस जगह पर ये माचिस की 7 डिब्बी जाके रख देना है। और ये ऐसे रखते समय आपको कोई देखे ना, और आप भगवान से प्रार्थना करते हुए जो भी आपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मांगा है वह मांगते हुए आप वहाँ सर प्रणाम करते हुए भगवान से, और आप निकल आइए। आपको अपना ध्यान पूरा आपके जो उद्देश्य है उस पर कंसंट्रेट करना है और ये उपाय कर लेना है आपको। देखिए, कोई ना कोई तो वह माचिस उपयोग करेगा। माचिस मंदिर में है तो माचिस अधिकतर दीप जलाने या अगरबत्ती जलाने के काम आएगी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, मंगल यदि खराब होता है तो आपका मंगल उच्च का और आपको अच्छे परिणाम देना चालू कर देता है। यदि आपके कुंडली में, राशि में यदि चंद्रमा खराब रिजल्ट दे रहा है तो वह अच्छा रिजल्ट देगा मंगल के साथ मिलके। इसमें दो युतियाँ मिलती हैं, दोनों युति आपके शिक्षा, आपके दिमाग, आपकी मानसिकता को बहुत अच्छा परिणाम देती है। तो ये कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो के जिनका आधार होता है, और मैं आधार के तौर पर ही आपको उपाय बताता हूँ। तो एक आपको ये उपाय कर लेना है, इससे आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका मन शांत होना चालू हो जाएगा। जो बच्चे बात नहीं मानते वे बात मानने लगेंगे, जिनका एकाग्रता नहीं होती है वह एकाग्र होने लगेंगे, और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होंगे, निश्चित हैं। दूसरा उपाय आपको करना है, ये बच्चों को करना है जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें 12th पास करने के बाद उनका लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है या लक्ष्य निर्धारण नहीं हो पा रहा है, उन्हें पीपल के पत्ते लेना है। 5 पीपल के पत्ते एक काले धागे में पिरो के, उस पर हर पत्ते साबित होना चाहिए, हर पत्ते पर अपना नाम लिखना है, 5 पत्ते पर अपना नाम सरनेम नहीं, नाम लिखना है। नाम लिखकर उन्हें एक दूसरे से चिपका कर, काले धागे की डोरी में आपने, जैसे हम लोग तोरण को एक दूसरे से चिपका के एक ही जगह पर रख देते, ऐसे आपको एक के ऊपर एक ऐसे 5 पत्ते रख कर वे माला वैसी के वैसी बनाकर और हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में जाके सौंप आना है। अब जैसे आपका नाम है प्रदीप,
तो उस पर प्रदीप लिख देना है और जाके उनके चरणों में सौंप आना है कि आज से मैं आपके चरणों में हूँ और आप मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरी मानसिकता उस तरह कर दें, मजबूत कर दें कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाऊँ। ये उपाय कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राम।